सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टूल्स इन्फो 1232 पर। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम हैवी ड्यूटी फोर व्हीलर टू व्हीलर और बड़ी जो गाड़ियां हैं उनके टायर कमान पार्टे वगैरह खोलने के लिए और इंजन या किसी भी नट बोल्ट को खोलने के लिए जो एयर से चलने वाली हवा से चलने वाली हाइड्रोलिक इम्पैक्ट रेंज लेकर आए हैं दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग साइज़ की और अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कंपनी की 10 से ज़्यादा इम्पैक्ट रेंज यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। बजट प्राइस साथ ही साथ एक एयर कंप्रेसर, उसको चलाने के लिए अटैचमेंट और दूसरी भी काफ़ी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप सबके प्यार की वजह से हम 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी ऐसे वीडियोस हम अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को बनाने के पीछे हमने जो हार्डवर्क किया है वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। काफ़ी सारे मशीन्स एक जगह पर लाना और आपके लिए उसको अनबॉक्सिंग करना थोड़ा हार्डवर्क है, लेकिन फिर भी इस आधा घंटे के वीडियो के अंदर हमने मोर देन 10-20 आइटम्स जो है वो बताने की कोशिश की है। और एयर इम्पैक्ट रेंज के अंदर इतना बड़ा और इतने ज़्यादा आइटम्स वाला वीडियो अभी तक YouTube पर किसी ने नहीं डाला होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो हम यही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, इंको का। अब मैं इंको का लेके क्यों आया हूँ वो भी मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि इसमें फ़र्क क्या है। गन तो सारे ही है, इसमें क्या फ़र्क है। अगर आप बाहर से मार्केट से भी परचेस कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा बॉक्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। और बहुत ही बढ़िया इसका जो बॉक्स है, ये तो ऊपर का कार्टून है, आपको कोई काम नहीं लगेगा, मगर कार्टून के ऊपर भी कुछ ना कुछ डिटेल दिया हुआ होगा। ये तकरीबन 20 किलो का है, इसका जो गन का नेट वेट है वो 20 केजी है और बहुत ही बढ़िया गन है ये। बॉक्स को साइड पे रख देता हूँ मैं। यहाँ पर बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ है थोड़ा आपको मैं बता दूँ। इसके अंदर आप 19 इंची से लेके 48 इंची तक का आप सॉकेट लगा सकते हैं। जैसा कि अभी ये मेरे पास सॉकेट है, ये सॉकेट है, ये हमारा 33 इंच का सॉकेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है 33, 34, 36, 38, 41, 42, 46 और 48 और 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 और 32 कंप्लीट इसके अंदर सॉकेट लग सकते हैं। 1 इंची का ये पूरा सेट लगेगा और यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं कि ये 5 HP तक के कंप्रेसर को भी ऑपरेट कर सकता है ये। और इसका जो 20 kg की ये गन का वेट है, 1 इंची है और इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो सबसे ज़्यादा है, 31 न्यूटन मीटर का ये गन का टॉर्क है। चलिए दोस्तों, बॉक्स के पूरा डिटेल मैंने दे दिया है। अब ये इंको का बॉक्स है तो उस हिसाब से ये क्या है, लोकल ब्रांड से अच्छा ही है, जो कि बॉक्स का इतना ज़्यादा उपयोग होता नहीं है। एक बार आपने गन को लगा दिया फिर वो आप बॉक्स को हर कोई भूल ही जाता है। फिर भी मैं आपको डिटेल के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे मिजाकरे दिए हुए, चप्पलें दिए हुए और ये लॉक दिया हुआ है। आप अगर नहीं खरीदेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा वो आपको पता चल जाए। बस यहाँ पर भी पूरा लॉक दिया हुआ है, चार लॉक है, 2 इस तरफ है, 2 आगे की तरफ है। और ये रहा हमारा इंको का ब्रांड न्यू इम्पैक्ट रेंच, बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, इंको जो इसके ऊपर लिखा हुआ है 3100 न्यूटन मीटर, ये आपको उतना डिलीवर करेगा। मार्केट में आपको जो भी गन मिलेंगे, जैसे कि ये वाला एक गन है, ये फोर कंपनी का गन है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 2600 Nm का इसका टॉर्क है, मगर ये कंप्लीट 2600 Nm का टॉर्क नहीं देगा। ये आपको मिनिमम तो 2000-2200, मैक्स पे आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको 2200 का टॉर्क देगा। तो कहने की बात ये है कि ये लिखा हुआ है और ये मैनुअल, ये इसका हैंडल है लगाने के लिए। वारंटी कितनी मिलेगी? वारंटी आपको इसकी 6 मंथ की वारंटी है
और वैसे तो इसके अंदर आप सही से प्रॉपर यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर आप अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम आपको इसको रिपेयर भी करवा के देंगे। आप हमें कॉल के माध्यम से उसका आगे का डिटेल पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। इसके अंदर इसकी बहुत ही हैवी है, आपके सामने मैंने 6 गन बता दी, इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा 6 गन, मगर ये उठाने में बहुत ही हैवी है। 20 kg का इसका वेट है, मुझे नहीं पता था इतना वजन होगा, मगर ये बहुत ज़्यादा वजन है क्योंकि ब्रांडेड है, वो ट्रॉली बताएंगे ना। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक ट्रॉली बता दूंगा, तो ये ट्रॉली के अंदर ये फिट हो जाएगा। ये देखिए पूरा ग्रीस भरा हुआ है ये, अभी मैं इसको नहीं खोलूँगा, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं आपको पहले गन बता देता हूँ, ये रहा हमारा इंको का, यहाँ पर पूरे रबर दिए हुए हैं, अगर आप जोर से इसको पटकेंगे भी तो इसमें आपको ज़मीन पे गन के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ये रबर उसको कवर कर लेगा। दोनों तरफ आपके रबर दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसके नॉब दिए हुए हैं, देख लीजिए आप, 1 2 3, 1 2 3, राइट लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला हो गया 1 2 3 और ये राइट वाला हो गया 1 2 3। यहाँ पे इसका स्विच है, यहाँ से इसका फिटिंग होगा, देख लीजिए आप। इसको एक बार मैं आपको इसके अंदर एक अटैचमेंट लगा के बता देता हूँ मैं फटाफट फटाफट, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मगर क्या है सारे व्यूअर्स का ये बोला गया था मैंने पहले ही कि बहुत अच्छा और बड़ा आपको कंपेरिजन वाला वीडियो मैं बता दूंगा। मैं थोड़ा प्रेशर कम हो गया है कंप्रेसर का, उसके लिए थोड़ा धीरा चल रहा है। बीस केजी का ये पूरा गन है, रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच मैंने आपको बता दिया है, नीचे है, यहाँ पे इसका ये जो वाला स्विच है, यहाँ से इसका एयर निकलता है, यहाँ से भी इसका एयर निकलता है, तो ये भाग आपको खुला ही रखना है जिसकी वजह से आपको एयर निकलता रहे, गर्म ना हो, और जितना एयर ये खींचेगा उतना ही एयर ये निकालेगा, और जितना एयर निकालेगा उतना इसके अंदर प्रेशर बनेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी 3 बता दिए गन, अब थोड़ा यहाँ पर ले लीजिए, ये हमारे पास एक और एक अटैचमेंट है जो मैं आपको यहीं पे रख के बता देता हूँ मैं। अच्छा, इस पे लगेगा ये जो हमारा जो गन रहता है, ये गन यहाँ पर आपका लग जाएगा, और आगे का हिस्सा होगा वो ऐसे जाएगा, और पीछे का हिस्सा आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक फोर्स का गन मैं आपको लेके बता देता हूँ मैं, ये इस तरीके से फिटिंग हो जाएगा और आप इसको कहीं भी मूव कर पाएंगे। अभी मैंने इसको कम्प्लीटली फिटिंग नहीं किया है, ये मैं आपको सिर्फ डेमो की तौर पे बता रहा हूँ, और नट बोल्ट के हिसाब से इसको वो जगह पर हम कर सकते हैं। ये इतना हिस्सा आपका बाहर रहेगा, अभी कैसा होगा कि पिछले वाला टायर होगा, कोई व्यूवर्स हमें पूछेंगे हमारे भाई लोग के भाई ये पीछे का टायर में कैसे अंदर तक जाएगा, तो ये चला जाएगा भाई, क्योंकि आगे का टायर तो बिल्कुल यहीं पे सटा हुआ होगा, और अंदर के टायर के लिए इतना सा गैप है इसके अंदर, तकरीबन सॉकेट लगने के बाद 14 से 15 इंची का गैप हो जाएगा, तो ये अंदर आराम से लग जाएगा। पीछे भी यहाँ पर स्प्रिंग दिया हुआ है, बता दूँ, और इसके बहुत हैवी टायर है, इसके टायर भी बहुत हैवी है। ये गन तो हल्का है, मगर अगर इंको का भी गन आप इसके अंदर लगा देंगे 20 kg का, वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से ऑपरेट करेगा ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े से व्हील है और बहुत ही स्मूथली चलेंगे ये व्हील। बताने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, तकरीबन 10 से 15 प्रोडक्ट हम आपके सामने आज लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, और ये सब आपका प्यार है और आपके कमेंट के माध्यम से जो सवालात आपने किए थे और जो चीज़ की आपने हमें कमेंट करके बोला था कि ये चीज़ बताइए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम
जो मैकेनिक है और जो पंचर का काम करने वाले हैं, जो बड़ी गाड़ी का काम करने वाले हैं, भारत बेंच, टाटा, जो भी बड़ी गाड़ी अपने जो ट्रक के सेगमेंट में आती है, टैंकर में आती है, टेलर में आती है, उनका मैकेनिक का काम करने वाले हैं, उनके लिए हम एक बड़ा सा कॉम्प्रेसर लेके आए हैं जो कि 3 HP का कॉम्प्रेसर है, और सारी जो गन है तकरीबन 6 गन है, जो 6 गन में से 1 गन में आपको खाली पहले बता देता हूँ, इस टाइप की हमारे पास गन है। ये गन जो है ये पंचर के लिए यूज़ होती है, पंचर के व्हील खोलने के लिए, और अक्सर हमारे पास से कई मैकेनिक ने भी परचेस किया हुआ है, क्योंकि वो जो जिनके यहाँ रोज़ाना गाड़ी आती है कमान पाटे के लिए और टेलर वगैरह आते हैं, तो वो लोग इस गन का इस्तेमाल करते हैं और अपने पास एक एक्स्ट्रा में गन भी रखते हैं। तो ये हमारे पास ऐसी 6 गन है अलग अलग, और सबसे हैवी वाली गन है जो इंको कंपनी की है, एयर कंप्रेसर जो कंपनी का है वही ब्रांडेड कंपनी की इंको कंपनी की है, वो मैं आपको गन बताऊंगा। इसको साइड में रखते हुए इंको कंपनी का मैं आपको 1 इंची का हमारे पास एक गन है जो छोटा वाला गन है, कॉम्पैक्ट है, ये खास करके मैकेनिक के लिए है, मैकेनिक भाइयों के लिए है। इसका 1600 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है, और ऐसे ही हमारे पास और 3 गन है। ये हमारे पास 1/2 इंची की गन है जिससे आप ये भी ट्रक वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, मैकेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक 1800 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ये 1600 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और ये 1800 का टॉर्क है। ये दोनों गन का मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा। उसके बाद प्रोडक्ट में साथ में वीडियो के अंदर हमने उसको शामिल किया है, वो है बड़ी गाड़ी का एयर से चलने वाला ये रोटरी, इसको रोटरी बोलते हैं। जैसे ही आपका गाड़ी में बड़ी गाड़ी में पंचर होता है तो इसको यहाँ पर फिट करके पंचर को खींचने के लिए, अब जैसे हर चीज़ बड़ी होती है, अभी जैसा टायर बड़ा है तो उसको घिसने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, उसको घिसने के लिए आपको मशीन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बेस्ट क्वालिटी का हमारे पास ये जो घसने वाला रोटरी का जो मशीन है ये भी एयर से चलेगा, और ये सारे प्रोडक्ट का हम अनबॉक्सिंग करके बताएंगे। और वहाँ पर लास्ट में एक स्टैंड जैसा पड़ा हुआ है, वो जो है वो हमारा ये जो गन है पंचर बनाने, पंचर के व्हील खोलने के लिए और ट्रक के व्हील खोलने के लिए जो गन है उसका स्टैंड है, अटैचमेंट है उसका, और ये पूरा गन उसमें लग जाएगा, तो आपको ये गन का वजन भी पता नहीं चलेगा, आसानी से आप उसको उठा लेंगे। तो वीडियो शुरू करता हूँ, उसके पहले आप हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा दें, वीडियो का अंत तक देखें। ये जितने भी प्रोडक्ट है इन सबका मैं आपको प्राइसिंग है वो वीडियो के अंत में बताऊँगा, और आपको सबसे बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा ये भी मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। और ये सारे प्रोडक्ट में से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना हो तो किंग टूल सूरत का कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर, किंग टूल का मोबाइल नंबर, उनका कांटेक्ट नंबर, उनका एड्रेस, सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या है वो पहले मैं आपको बता दूँ। इसके पहले भी मैंने आपको डिटेल में प्रोडक्ट बता दिया है, मगर गन के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है। ये एक जो मैंने गन पहले आपको बताई उसका बॉक्स है, ये हमारे पास एक इंपैक्ट रेंच है, इसको भी मैं आपको फटाफट खोल देता हूं। मैं ये फोर्स कंपनी की है जो इंपैक्ट रेंच है, फोर कंपनी की, और इसको खास करके हमारे इस वीडियो में शामिल करने का सबसे बड़ा पर्पस है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट गन है, ये कॉम्पैक्ट गन है, उसके लिए हमने इसमें शामिल किया है। अब किस कौन से बॉक्स में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको डिटेल वाइज बता दूंगा। जैसे कि ये मशीन मैंने आपके सामने खोला है, ये बॉक्स मैंने आपके सामने खोला है, ये फोर कंपनी का गन है, बहुत ही कॉम्पैक्ट गन है, मगर इसके अंदर आपको सॉकेट नहीं मिलेगा। क्या क्या मिलेगा वहां मैं आपको बता दूं, इसके आगे गन के आगे लगाने के लिए आपको एक अटैचमेंट मिलेगा, और गन को हैंडल फिटिंग करने के लिए 4 एलेंकी के बोल्ट मिलेंगे और 1 एलेंकी मिलेगा। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा का कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका यूजर मेन्यू के अंदर इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है, ये 2600 Nm का इसका टॉर्क है, 2600 Nm का इसका टॉर्क है, और ये जो गन का जो वेट है वो 10 kg इसका गन का वेट है, 1 इंच का इसके अंदर आगे सॉकेट लग जाएगा। एक बार आपको खोल के बता देता हूं, बहुत ये 1 इंच का आपका एक फोर कंपनी का इंपैक्ट रेंच है। देखने के अंदर मैं आपको कंपैरिजन वाइज यहां पर लेके बता दूं, मैं
ये दोनों मशीन वेट वाइज बिल्कुल सेम है, मगर इसका मैकेनिज्म और इसके मैकेनिज्म के अंदर ये थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट है, और ये थोड़ी गन बड़ी है, मोटी है। अब इसके सामने भी यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट है जो हमारा याटो का लेबर सेवर मशीन है। इसका फुल वीडियो, ये मैनुअल मशीन है पूरा, ये ना एयर से चलेगा ना इलेक्ट्रिक से चलेगा। इसका फुल वीडियो देखने के लिए मैं आई बटन के अंदर हमारे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां पूरा डेमो के साथ वीडियो हमने डाला हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं उसमें। इसके बाद में आपको इंको का जो छोटा वाला गन है जो हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए है, ये हमारे कमांड पार्टा खोलने वाले और जो भी मैकेनिक का काम करते हैं, जो बड़ी गाड़ी का रिपेयरिंग का काम करते हैं, इंजन का काम करते हैं, ये हमारे पास इसको मंगा रहे हैं, बहुत डिमांड में है ये अभी। रिवर्स फॉरवर्ड इजी, यहां से हैंडल एंडिंग इसका यहाँ पे अटैचमेंट लगेगा और ये साइड पे इसका हैंडल है, 1 इंची का इसका सॉकेट है और ये 90 PSI पे ये ऑपरेट करेगा और 4000 RPM का इसका रोटेशन है, रिवर्स फॉरवर्ड है और ये 6 किलो का ये गन है, 6 किलो का, और इसका जो टॉर्क है वो 18 Nm का इसका टॉर्क है कंप्लीट मशीन का। इनको का ब्रांडेड कंपनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इंच 1800 बॉक्स है ये। आप क्या है कि अगर आपको कहीं बाहर से भी मंगाना हो और अगर किंग टूल से भी मंगाते हैं तो आपको आइडिया आ जाए कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, तो मैं एक बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान आ रहा है मैं आपको डिटेल वाइज बता दे रहा हूं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। हैंडल है इसका और ये रही हमारी गन, बहुत ही खूबसूरत गन है, देख सकते हैं आप, 1 इंची की गन है और इसमें आप कोई भी सॉकेट लगा सकते हैं, 32, 33, 40, मेरे सॉकेट भी लेके आया हूं मैं आपके लिए, मैं आपको वो भी बता देता हूं सॉकेट। नहीं मिलते तो आप हमारे से ये सॉकेट भी परचेस कर सकते हैं, ये मैं आपको 33 का सॉकेट इसमें लगा के बता देता हूं। सॉकेट भी हमारे पास सब रेडी स्टॉक में मिल जाएंगे, 33 mm का ये सॉकेट है। ये लग गया आपका 33 का सॉकेट, बहुत ही बढ़िया सी गन है ये, इसको मैं आपको चालू करके भी बताऊंगा। चालू करने के लिए यहाँ पे क्या है, आपको एक नॉब खोलना रहेगा, नॉब खोल के, वैसे तो आपको सब पता ही होगा मगर फिर भी मैं आपको डिटेल थोड़ा सा दे दूं। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आपको आफ्टर मार्केट खरीद लेंगे नॉब, ये आपका नॉब लग गया और ये हमारा एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर की भी मैं सारी डिटेल आपको दूंगा। और यहाँ पे सेटिंग आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर रिवर्स फॉरवर्ड के अंदर आपको सेटिंग दिया हुआ है टाइटिंग का और खोलने का। खोलने के अंदर आपको सिर्फ एक ही नंबर दिया क्योंकि उसके अंदर कोई ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ता, मगर टाइट करने के अंदर आपको 3 नंबर दिया हुआ है, 1, 2, 3। आपको अगर फुल टाइट करना है तो आप 3 पे रख सकते हैं, आपको उससे कम टाइट करना है तो आप 2 पे रख सकते हैं, उससे भी कम करना है तो आप 1 पे रख सकते हैं। और अगर आपको खोलना बताओ ना वापस, पीछे का भाग वापस, पीछे का भाग वापस बता दूं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सिंगल है, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपको खोलने के लिए और टाइट करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। कितने लोग बोलते हैं भाई 3 नंबर पे टाइट करना है हमें, तो आप ये डायरेक्ट 3 नंबर पे करेंगे तो 3 नंबर पे टाइट हो जाएगा। टैंकर है, बड़े बड़े हाईवा है, लोडिंग गाड़ी है, वो 3 नंबर पे टाइट होते हैं। चला के बता, बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है, अभी हमारे यहाँ से भी बहुत जा रहा है ये गन। एक बार मैं आपको फोर्ड कंपनी का भी गन आपको मैं चला के बता देता हूँ, मैं ये अटैचमेंट को मैं इसमें रखता हूँ,
ये सारे गन आपको हमारे यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे किंग टूल सूरत पे। आप कभी भी हमें कॉल करके मंगा सकते हैं, और कई व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, हमें कॉल के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं, मगर उनका कहना है कि आप कॉल का जवाब नहीं देते, या तो हम आपका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही है, उसके लिए थोड़ा डिले होता है, मगर हम आपका संपर्क करेंगे। ये फोर कम का हमारा ये लग चुका है, इसके अंदर मैं आपको आगे एक सॉकेट लगा दूं। लग चुका है ये, और ये बहुत पास, ये 26 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 2600 टॉर्क है, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट गन है, फोर कंपनी का है, और इसके अंदर आपको 2.5 मतलब आपको छोटे में छोटा भी इम्पैक्ट आपको रेंज मिल जाएगा। इसका पूरा डिटेल मैं आगे डालने वाला हूँ, मगर ये एक है बड़ा वाला जो मैं लेके आया हूँ, पहले आप ये देख लीजिए, इसके बाद में दूसरा भी वीडियो आपको यहाँ बता दूँ। यहाँ पर इसके अंदर फंक्शन है, इसके अंदर खोल और फिटिंग के अंदर दोनों के अंदर तीन तीन ऑप्शन दिए हुए हैं कि बहुत ही ज्यादा तीन नंबर पे अगर कोई नट टाइट किया हुआ होगा तो आपको फिर इसको तीन नंबर पे रखना पड़ेगा, तो वो खोलने के लिए तीन नंबर तक जाएगा, फिर आप दो नंबर यहाँ पर दिए रहते मार्किंग दिया हुआ है, वन नंबर पे खोलना, दो नंबर पे खोलना, तीन नंबर पे खोलना। अगर तीन नंबर पे टाइट करना है तो आप उसको रिवर्स फॉरवर्ड करके तीन नंबर पे लेते। एक बार मैं इस तरफ आपको चला के बता देता हूँ, और एक बार मैं इसको घुमा के उस तरफ चला देता हूँ, ये इसका आवाज कर रहा है ये, क्योंकि ये सामने लगा हुआ नहीं है तो थोड़ा आवाज, देखिए ये इम्पैक्ट है, झटका मारता है, झटका, ये इम्पैक्ट रेंज है। अब कई व्यूअर्स हमें सवाल करेंगे कि ये वाला पाइप हमें लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये वाला पाइप पंचर वाले भाइयों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैकेनिक के काम के लिए है। अगर पंचर वाले भाई को तकरीबन 200 PSI का प्रेशर चाहिए उसके अंदर आएगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ आपको डेमो देने के लिए मैंने ये वाला पाइप लगाया हुआ है। इसको निकाल देता हूँ मैं, एक बार बंद हो गया हमारा। ये जो मैंने आपको गन बताया है इसके अंदर मैं आपको इसका अटैचमेंट लगा के बता दूं। इसके अंदर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये जो हमारा अटैचमेंट है ये आपका अटैचमेंट यहां पर लग जाएगा। उसके लिए क्या है कि आपको ये पूरा आगे का दो एलिंकी बोल्ट होता है ये खोलना है, ये आप खोलेंगे इसको यहां पर, और ये यहां पर आपका फिट हो जाएगा। मैं आपको एक बार ऊपर से फिट करके बता देता हूं, देखिए ये ऐसे होगा और ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, दो तरफ से आपकी ग्रिप हो जाएगी। आपको अगर ऊपर लगाना है ऊपर भी लगा सकते हैं, आपको यहां लगाना है आप यहां पर तो नहीं लगेगा क्योंकि छोटा वाला है, सिर्फ आगे के हिस्से में ही लगेगा, यहां पर लगेगा या तो ऐसे लगेगा या तो ऐसे लगेगा, या तो फिर आप ऐसे लगा सकते हैं, वो जैसे आपकी मर्जी, आप कैसे भी तरीके से उसको लगा सकते हैं। तो हमारा ये जो 1800 NM का जो टॉर्क वाला जो मशीन है ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, और ये वाला भी एक मैंने अटैचमेंट आपको बताया हुआ था, इसके लिए क्या है एक छोटा सा अटैचमेंट लगता है भी, मैं आपको एक बार बता दूँ तो व्यूवर्स कहेंगे कि भाई आपने हमें पहले बोला था और बाद में बताया नहीं, ये ऐसे यहाँ पर अटैचमेंट लग जाएगा। तो ये हमारा जो पंचर हुआ हुआ टायर होता है उसका होल को दुरुस्त करने के लिए, होल के ऊपर पैच लगाने के लिए, ये भी एक हमारा रोटरी का बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन है ये, इसके अंदर ये आपका नोजल लग जाएगा इसमें ऐसे, और ये ऐसे घूमेगा आगे से। और ये आप इसका अटैचमेंट, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन है ये निकल जाएगा। आपको हर एक गन के अंदर आप ऐसे सॉकेट भी लगा सकते हैं, ये सब सॉकेट भी हमारे यहाँ किंग टूल पे अवेलेबल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसमें सब अलग अलग अटैचमेंट जितने, हाँ आप कोई भी अटैचमेंट इसमें लगा सकते, अभी जैसा कि मैंने ये वाला लगाया हुआ था, अब मुझे डायरेक्टली ये गन लगानी है
तो मैं इसी के अंदर मैं ये तुरंत ही ये लगा सकता हूँ सॉकेट, और मैंने इसके अंदर लगा दी, गन लगा दी। ये मुझे निकालना है, उसके बाद मुझे ये एक आधे इंची का, मैं आपको एक गन बता देता हूँ, ये आधे इंची का मैकेनिकों के लिए खास है। दो तीन गन लेके आया था मैं, एक गन आपको अनबॉक्सिंग करके बता दिया है मैंने, अब ये मेरा आगे आधे इंची का गन है। ये भी एसेसरीज है, ये इसके अंदर तीन बॉक्स पाने भी है आपके पास, मशीन के अंदर ही आएंगे। एक दो तीन बॉक्स आ गए। नंबर क्या है उनके? बॉक्स के नंबर मैं आपको बता दूँ, 17 mm और 19 mm और 21 mm, तीन बॉक्स आ गए। थोड़ा सा ऑयल है आपके पास आगे लगाने के लिए, अलग अलग एक्स्ट्रा के नोज़ल दिए हुए, एक दो तीन, ये भी नोज़ल इसमें साथ में दिया हुआ है, एक बड़ा सा अटैचमेंट टाइट करने के लिए दिया हुआ है, और दूसरा एक नोज़ल आपको ये दिया हुआ है। कंप्लीट एसेसरीज के साथ है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये आपका यहाँ पर ऐसे लग जाएगा ये, और ये कंप्लीट आपका सारा काम हो जाएगा इसमें। ये मशीन में आपको बता दूँ एक बार, इम्पैक्ट एयर इम्पैक्ट व्रेंच, ये आधे का ही है, इसमें आधे के सारे सॉकेट लगेंगे। ये हमारा आधे का सॉकेट है, और ये इसके सामने ही आपका ये हमारा एक का सॉकेट है। कितना फर्क है दोनों में, ये एक इंची का सॉकेट है और ये आधे इंची का सॉकेट है। सॉकेट लग गया, ये पूरा इम्पैक्ट एयर रेंच है आपका, बता दूं मैं आपको, नया है बिल्कुल, और इसका जो टॉर्क है वो 7000 का इसका एक मिनट के अंदर स्पीड है, आरपीएम है इसका, और ये 12.5 तक का आधे इंच का इसका पूरा डायमीटर है। एयर ट्विन हैमर है, ये हैमर के अंदर भी आएगा, ये कंप्लीट ये हैमर है, देख सकते हैं आप, और ये भी आपका प्लस माइनस के साथ है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, दिया हुआ है पीछे नॉब, ये वाला नॉब आप घुमाएंगे, ये रहा यहाँ पर, प्लस माइनस रिवर्स फॉरवर्ड सब यहीं से हो जाएगा आपका। बहुत इसमें आधे को एक में कन्वर्ट करने की अटैचमेंट भी मिलती है? नहीं, इसमें आपको आधे का एक में कन्वर्ट करने का अटैचमेंट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आगे अगर आप जुगाड़ करके इसको जोड़ सकते हो तो आप इसको जोड़ सकते हैं, मगर फिर क्या आएगा, आपके जो गन है वो गन पे लोड आएगा, और वो लोड आने की वजह, क्योंकि इसकी ताकत अलग होती है, ये अलग ताकत पे टाइट किया हुआ होता है, खुलना खोलना होता है इसको, तो उसके लिए आपको एक इंची का ही ये गन लेंगे, वही आपको बेस्ट रहेगा। क्या इसका देख पा, दोनों के अंदर मैं आपको कंपैरिजन बता दूं, दोनों की साइज़ में ये कितना छोटा है इसके सामने लग रहा है, इसका वजन भी ज़्यादा है, ये तकरीबन 4.5 किलो का सिंगल गन है ये, अजू तो हैंडल वगैरह इसमें लगाया नहीं है, तो ताकत में इसमें फ़र्क पड़ता है। ये बहुत छोटा है, छोटे काम के लिए आपको इस्तेमाल होगा, ये बड़े काम के लिए आपको इस्तेमाल होगा। उसके बाद आता है हमारा 1600 NM टॉर्क का हमारा इंको कंपनी का एयर जी पोने का है, सॉरी ये हमारा पोने का है। इतने तीन रेंज हो गई मेरे पास, ये आधे का, वो एक का था, और ये उसके बीच का है, ये पोने का है, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है ये मैकेनिक और कंपनी वालों के लिए भी खास है। अगर कंपनी के अंदर भी आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी वही सब एसेसरीज है, हैंडल है, साइड पे पकड़ने वाला हैंडल है, इसके नॉब है, और इसका सॉकेट है लगाने वाला जिसके अंदर पाइप लगेगा, और ये हमारा पौने इंची का गन। अब ये पौने इंची का कैसा है तो देखिए आप, ये हमारा एक का सॉकेट है, ये मैं जैसे ही इसमें डालूंगा तो ये पूरा अंदर घूम जाएगा, तो ये इसका मतलब ये पौने का है, आधे का, आधे का एक कंपेरिजन मैं आपको बता दूँ दोनों के अंदर कितना फ़र्क है, देख सकते आप। इसका सॉकेट आगे से मैं खोल दूं, ये आधे का है, ये पौने का है, और एक का मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, येलो वाला जो पूरा येलो है, वो भी मैं आपको बता दूं एक बार। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है मगर आपको बहुत जानकारी इसमें मिलेगी, ये देख लीजिए आप, ये आपका एक एक का, ये पौने का और ये आधे का, तो कंप्लीट रेंज हो गई। सारा वीडियो में आपको सारे जो भी इसके बाकी और आप अभी तो हमारे पास 6 और गन है अलग अलग, वो मैं आप चुका हूँ,
एक ये फोर का गन है, एक इंको का गन है और एक आईमैक्स का गन है। अब मैं आपको एक इंपैक्ट कंपनी का एक गन बता रहा हूँ मैं, ये भी हैवी ड्यूटी है। इसका 3200 NM का टॉर्क है और इसकी स्पीड है 3500 RPM। एक इंची का इसमें भी सॉकेट लगेगा। फटाफट इसको खोल देते हैं। वाह, ये हल्क कंपनी का है। यहाँ पर हल्क का लोगो दिया हुआ है, हल्क कंपनी का है। ये स्टैंड इसका पकड़ने वाला हैंडल है, यहाँ पर हैंडल लग जाएगा। दोनों तरफ आप लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, उस तरफ भी लगा सकते हैं। अटैचमेंट दिए हुए सारे इसमें, लगा हुआ है ना ऑलरेडी। इसमें ऑलरेडी नॉब मैंने लगाया हुआ है पहले से ही, ये नॉब लगा हुआ है। दो सॉकेट है, ये अपना हल्क कंपनी का हो गया। इसके अंदर आपको एलिफेंट का भी, आपको ऑनलाइन के अंदर भी मिल जाता है एलिफेंट का, देख सकते हैं आप। 3200 NM का टॉर्क, कैपेसिटी 3200 RPM है इसके। ये एलिफेंट कंपनी का। इतने सारे गन, अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ दबा दें। आपका प्यार हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। किसी ने अनबॉक्सिंग नहीं हो, और इतने सब गन लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप हमारा प्लीज़ हमारे मेहनत अगर हम कर रहे हैं सही से, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार देते रहिए। यहाँ पर आप एलिफेंट का गन है आपके सामने, प्लस माइनस रिवर्स फॉरवर्ड 1 2 3 1 2 3। यहाँ से इसका नॉब लग जाएगा, ये इसका इनलेट है, ये इसका स्विच है। और ये वाला भी गन तकरीबन 18 kg का ये गन है, पूरा 18 kg का गन है। मेरे पसीने छूट गए कंप्लीट। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये गन है, एलिफेंट कंपनी का। एक हो गया एलिफेंट, इंपैक्ट, हल्क, इंको और इंपैक्ट कंपनी का। अब फोर कंपनी का, अब मैं आपको और एक कंपनी है इसकी इंपैक्ट रेंज की, वो भी मैं बता दूंगा। वाह, ये प्रोकट कंपनी है, ये भी बहुत अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस है। इसमें तीन रिंग दी हुई है रबर की, एक यहाँ आगे दी हुई है, एक सेंटर में दी हुई है और एक सबसे लास्ट में दी हुई है। वही सेम मैकेनिज्म, वही सारे इसके अंदर फीचर्स है। यहाँ से पीछे से इसका नॉब है, इसका जो ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है, इंको टाइप है, इसका बाहर है। और ये इसका 1 2 3 1 2 3, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, 1 2 3 1 2 3। तो पूरा आपको 1 2 3, और ये हमारा हो गया 4 5 और ये 6। 6 गन मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं और एक कंप्रेसर बताया है आपको। कंप्रेसर के अंदर हमारे व्यूअर्स को मैं डिटेल में बता दूं कि ये जो कंप्रेसर है ये 2.5 HP का इंको का 3.2 HP का इंको का ब्रांडेड कंप्रेसर है। इसके अंदर आपको अगर 5 HP का चाहिए, 8 HP का चाहिए और अगर आपको बड़ा वाला चक्का, ये साइलेंट कंप्रेसर है। इसके अंदर क्या है, आपको आवाज़ नहीं आएगी। मैं आपको एक बार चालू करके बता देता हूँ इसको। इसके अंदर आवाज़ बहुत कम आती है। तो मैं अब ये जो इंको का कंप्रेसर है, आपको एक बार, जैसे ही हमारे कंप्रेसर चलते हैं तो पूरा दुकान हिलता है हमारा, जिसका छोटा मोटा दुकान है वो पूरा दुकान हिलता है। मगर ऐसे जो कंपनी के ब्रांडेड कंप्रेसर होंगे उसमें आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपका आवाज भी इसको सुना देता हूं, मैं आपको एकदम साइलेंट कंप्रेसर है, देखिए आवाज दे दीजिए, कोई वाइब्रेशन नहीं है, पता भी नहीं चलेगा कि आपके यहाँ कंप्रेसर चालू है। 2.5 HP का कंप्रेसर है, ये आपका 100 लीटर का कंप्रेसर है, इंडस्ट्रियल कंप्रेसर। यहाँ पर इसके सेंसर दिए हुए हैं, यहाँ पर इसके सेंसर दिए हुए हैं, यहाँ पर इसके मीटर दिए हुए जो आपको प्लस माइनस बताएगा।
पूरा ऑटोमेटिक है, कट ऑफ हो जाएगा अपने टाइम पे, अपने आप चालू भी हो जाएगा। और इसी के साथ ये कंप्रेसर के अंदर आपको, कंप्रेसर के साथ साथ आपको अगर हमारे पास से जो लोकल कंप्रेसर होता है, जो लोकल मैन्युफैक्चर से बनाया हुआ होता है, 3 HP का, 5 HP का, आपको 3 phase का कंप्रेसर मिल जाएगा अगर आपके यहाँ 3 phase की लाएंगे। अगर आपके पास सिंगल फेस की लाएंगे तो आपको सिंगल फेस का कंप्रेसर भी हमारे यहाँ मिल जाएगा। गन के अंदर आपको कोई भी, ये 6 गन और 1 इंची का जो भी गन है उसके अंदर अगर आपको कोई भी गन के अंदर रिक्वायरमेंट हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट नंबर डाल दूंगा और हर एक प्रोडक्ट का मैं आपको प्राइस वगैरह भी डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 रेड बटन को दबा दें और हमें पूरा सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।